तमाम न्यू आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अब्दुल्ला दुआखाना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। इससे आपको हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी सबसे पहले मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अफजाल कंबू, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला दुआखाना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त भाई खैर अफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम दोस्त भाइयों को खैर अफियत के साथ रखें। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा हर्बल देसी घरेलू टोटका बताऊंगा जो ना सिर्फ इतना कामयाब है बल्कि उस नुस्खे के इस्तेमाल से आपके बुखार का मसला जड़ से ख़त्म हो जाएगा, चाहे मलेरिया चाहे टाइफाइड। आज मैं आपको बुखार के हवाले से दो चीज़ें ऐसी बताऊंगा, उन चीज़ों से आप बखूबी वाकिफ भी हैं, आपके घर में भी चीज़ें मौजूद हैं और इंशाल्लाह उन दो चीज़ों का कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। ये कोई किताबी नुस्खा नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल शुदा रिजल्टेबल कामयाब और घरेलू टोटका है। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि जो भाई मेरे चैनल को पहली दफ़ा वीडियो को देख रहा है वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बार वक्त पहुंच सके। अगर आपको नुस्खा अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है तो आप बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। अब आते हैं टॉपिक की जानो। तो दोस्तों, आज का टॉपिक मैंने रखा हुआ है बुखारों के हवाले से, क्योंकि बदलते मौसम में हर बंदे को नज़ला ज़ुकाम बुखार का आर्ज़ा रहता है। किसी को सर्दी लगती है तो किसी को वैसी बुखार हो जाता है, और किसी को बुखार होता है तो किसी को एक दिन के बाद बुखार होता है। आज हो बुखार चढ़ा, कल नहीं परसों चढ़ा, ये जिसे कहते हैं कि वारी का बुखार, और तीन तीन चार चार माह लग जाते हैं लोगों को मेडिसिन खाते 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 आराम नहीं आता। ये उन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद इलाज है, मुफीद नुस्खा है, जो कम अज कम एक माह हो गया है मेडिसिन खाते पर उनको आराम नहीं आया, और ये इस्तेमाल करके देखें इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, नुस्खा आपने नोट कर लेना है, जिस तरह मैंने कहना है उसी तरह आपने बनाना है, तो इंशाल्लाह इस नुस्खे से आपको बेहद फायदा मिलेगा। करना क्या है, आधा पाव आपने ले लेनी है देसी अजवाइन, आधा पाव देसी अजवाइन ले लेनी है, आधा पाव आपने ग्लो खुश्क ले लेनी है और आधा पाव बादाम की गिरियां ले लेनी है। आधा पाव अजवाइन देसी, आधा पाव ग्लो खुश्क और आधा पाव बादाम की गिरियां, ये आपने लेके रख लेनी है। साफ करके अच्छी तरह चीज़ों को रख लें। अब इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने चाय वाली आधी चम्मच अजवाइन की और इतनी आपने ग्लो डालनी है और तीन से पाँच अदद बादाम की गिरियां डालनी है। एक मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें पानी डाल देना है, ये तमाम चीज़ें धो के खुशक आपने धो के अच्छी तरह उस चीज़ों में डाल देनी है। डालने के बाद आपने करना क्या है कि रात को भगो देनी है, सुबह उठ के इन सब चीज़ों को अच्छी तरह आपने किसी कुंडी वगैरह में या चट्ठू वगैरह में या किसी चीज़ में आपने इसको मिक्स कर लेना है, फिर पौन के वो पानी होगा आप पी लें। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि आपने अजवाइन और ग्लो को रात को भगो देना है और बादाम की गिरियां भी आपने उसी पानी में रात को भगो देनी है।
फिर आपने करना क्या है, अगर आपने उसको रगड़ के नहीं पीना तो फिर इसका दूसरा तरीका यह है कि आपने एक कप पानी में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपने रात को भगो देनी है, एक कप पानी और बर्तन मिट्टी का और 5 अदद बादाम की गिरियाँ भगो देनी है। सुबह उठ के बादामों की गिरियों को छील लें और खा लें, ऊपर से वो पानी होगा उसको अच्छी तरह हाथों के साथ मसल के पोनी के साथ पोन के वो पानी पी लें। एक टाइम करना है, कम से कम एक हफ्ता मतवातर इस्तेमाल करें, 2 से 3 दिन आपका बुखार जड़ से ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो टाइफाइड फॉर्म में हो, मलेरिया की शक्ल में हो, या वैसे वारी का बुखार हो, या मौसमी बुखार हो, ये आजमा कर देखें। और जिन लोगों के जिस्म में दर्द रहती है, जिस्म में कुव्वत बहाल करने के लिए एक कप दूध ले लें, उसमें चाय वाली आधी से आधी चम्मच, यानी आपने 1 से 2 ग्राम अजवाइन देसी उस दूध में डाल देनी है। डालने के बाद उसको अच्छी तरह आपने उसको उबालना है, उबालने के बाद वो पानी जो दूध होगा वो आपने रात को पी के सो जाना है। इंशाल्लाह ये भी बुखार के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा है, दोनों इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये नुस्खा इस्तेमाल करके देखें, आपको इसका बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। मेरे जितने भी नुस्खे जात होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आजमूदा होते हैं, रिजल्टेबल होते हैं। इंशाल्लाह वो बनाया करें, इस्तेमाल किया करें और दुआओं में हमें याद रखिएगा। तो नई वीडियो के लिए इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम।